कंसर्न फॉर ऑल वीडियोज़ कैसे सेव करते हैं, सॉरी ऑडियोज़ कैसे सेव करते हैं, वॉइस नोट चाहे आ रहे हो चाहे जा रहे हो। अब ये देखिए मेरा वॉइस नोट है, अब ये तो आपने सेपरेट में बोला है लेकिन कहीं और क्यों ना, ठीक है इस पर मैं करूँगी इस तरह से। अब ऊपर वो आप चार ब्रांच का निशान देखें ना, आप उस पर शेयरिंग पे जाएंगे। अच्छा आई होप आपके पास सैमसंग का हो, ये वन ड्राइव या इस तरह शेयरिंग का ऑप्शन हर मोबाइल में होता है, चाहे सैमसंग हो, आईपॉड हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब ये वन ड्राइव ध्यान लिखे ना, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस के बराबर में ब्लू वाला सिंबल, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर वॉइस नोट सेव हो जाते हैं और ये मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाए तब भी यही सेव रहते हैं। अब ये देख सकते हैं इसमें ओरिफ्लेम की सारी ट्रेनिंग है, मैंने ओरिफ्लेम प्रोडक्ट नॉलेज में करके मैं अमूमन यहीं पे सेव करती हूँ। ऊपर एक आपको टिक का निशान आ रहा है, पहले तो ये था कि उसको टिक करके जो आप वहाँ से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको टिक करूँगी और डायरेक्ट वो ऑडियो की बहुत बड़ी फाइल खुलेगी जो नेमलेस होगी, सबके वॉइस नोट्स होंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपके वाले जो मैंने वो जो अभी आपका वॉइस नोट शेयर हुआ था मेरा, उसी पर डायरेक्ट क्लिक करके आपके विंडो से यहाँ कर लिया। अब मैं क्लिक कर राइट करूँगी, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि MB ज़्यादा हो जाते हैं और ये बैक एंड पे माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव पे ये सेव होगा। अब मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद जब इसको चेक करूँगी, अच्छा चेक मैंने कहाँ करना है, यही ड्राइव मुझे पता है जो ऐप्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। कुछ देर पहले भी मैंने यहाँ पे एक ऑडियो शेयर किया था, मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद शुगर स्क्रब से रिलेटेड। अभी आप ये देखें सबसे ऊपर आ रहा है जस्ट नाउ, ठीक है। इसको अब मैंने रीनेम करना है ताकि मैं ब्लू नहीं, यहाँ पर मैंने लिखना है शुगर स्क्रब सेलिंग, ताकि मुझे याद रहे कि इससे रिलेटेड था ये जैसे अभी मैंने इसको कर दिया। अब नीचे आप देखिए कलर, शैम्पू, कंपनी, डार्क थोड़ा, अच्छा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुगर स्क्रब एस में तो जना भी नीचे आ जाएगा। अब मैं यूँ करती हूँ टेस्टिंग के तौर पर आपके सामने ये वापस आपको शेयर करती हूँ, लेट्स सी ये ओपन होता है आपके पास या नहीं, डिपेंड करता है कि आपका आपका ओरिफ्लेम का आपका मोबाइल किस हद किस उसमें है, मतलब यानी कि कौन से टाइप का है।